Hey guys, welcome back to my channel. So, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी समर मेकअप रूटीन. और ये कोई ऐसी रूटीन नहीं है जो आप एवरी डे फॉलो नहीं कर सकते, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है और काफ़ी हेल्दी है आपकी स्किन के लिए. ज़्यादा मेकअप आप नहीं लगा सकते, वो मतलब श्योरिटी है कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते समर्स में. सो मैं जो मेकअप करती हूँ दैट इज़ वेरी मिनिमल. मैं जो प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी आई हैव मेड श्योर कि वो बजट फ्रेंडली भी हैं, अच्छी क्वालिटी के भी हैं, ईजीली आप ले भी सकते हो और मतलब बेस्ट है आपकी स्किन के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लवर्थ का फेस मिस्ट. ये जैस्मिन फेस मिस्ट है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट टू हाइड्रेट माय फेस बिकॉज समर्स में मेकअप थोड़ा ऐसे हो जाता है कि स्टे नहीं करता. देन आई एम यूजिंग कॉस आरएक्स की आई क्रीम. बहुत अच्छी आई क्रीम है, अच्छे से मेरी आईज़ को इसने हाइड्रेट कर दिया था और यूथफुल लुक भी देती है. जैसे फाइन लाइन्स वगैरह होती है ना, उसको रिड्यूस भी करती है ये वाली आई क्रीम. और इजीली यू कैन आई थिंक गेट इट फ्रॉम नाइका. आई विल ट्राई टू फाइंड एंड गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देन आई एम यूजिंग माई फेवरेट डॉटन की 72 आवर मॉइस्चराइज़र. ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है. जैसे आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली फील करती है या फिर आप ऐसे फील करते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. इसको लगाने के बाद ही स्किन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे फील हो रही थी. देन मैंने यूज़ करा है डॉटन की का लिप बाम, उसको मैं रिमूव कर रही हूँ. मैंने पहले ही लगा लिया था, अभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ सनस्क्रीन लगाने से पहले. सनस्क्रीन इज़ मस्ट हैव गाइज, यू हैव टू अप्लाई इट. और मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको कितनी क्वान्टिटी में लगाना है. काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में आपको पूरे फेस पे लगाना है और नेक पे लगाना है बिकॉज समर्स डजंट मैटर विंटर, सनस्क्रीन इज़ मस्ट हैव. सो यू हैव टू अप्लाई गुड. और मुझे ये वाला अच्छा लगता है डॉट एंड की का बिकॉज ये इतना वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है और अच्छे से आपकी स्किन में ये अप्लाई हो जाता है. बहुत अच्छी सी शाइन देता है बिकॉज इट हैज़ विटामिन सी एंड ई एज वेल. आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो काजल V10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. गाइस मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोड का ये लिक्विड ब्लश एंड इट इज़ अ कॉपी ऑफ नार्स बिकॉज मैंने नार्स का ब्लश भी यूज़ करा है. मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको देखना है आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. ये ब्लश क्रीम और बटर कह सकते हैं उसकी तरह ब्लेंड हो जाता है और ये शेड है सेट राइट. बहुत नेचुरल ग्लो आपको ये प्रोवाइड करता है एंड ये बिल्कुल केक ही नहीं लगता. जस्ट लाइक अ क्रीम प्रोडक्ट इट जस्ट ब्लेंड्स आउट परफेक्टली. एंड आप सनस्क्रीन के ऊपर भी इसको लगा सकते हो. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इजीली ब्लेंड होने वाला. देन आई एम फिलिंग अप माय ब्रोज. ब्रोज मैं हमेशा फिल करती हूँ बिकॉज मेरी ब्रोज बहुत लाइट हैं. देन आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का लिप लाइनर. ये है इन दी शेड चेस्टनट. बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राउन लिप लाइनर है ये. ब्राउन और मेरून का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, लाइक पूरा ब्राउन भी नहीं है. देन मैं यूज़ कर रही हूँ नायका की लिपस्टिक इन दी शेड सुपर मॉम. न्यूट काइंड ऑफ लिपस्टिक है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लगती है लिप लाइनर के साथ, तो अमेजिंग लगती है. इसका मेरा मन हो रहा था कि थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए. आई वॉज ट्राइंग टू डू ओम्ब्रे और रिवर्स ओम्ब्रे. सो मैंने यहाँ पे शेड लिया है कलर बार का पीच क्रश. बहुत ब्यूटीफुल शेड है. कलर बार की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी होती है, उनको मैं इनर कॉर्नर्स में ही फिल कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू रिवर्स ओम्ब्रे. और ये लिप कॉम्बो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इवन दो अगर आप अपनी बेयर स्किन पे भी लगा लोगे ना तो दिस विल लुक डैम गुड. मैं आपको बता रही हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो. और ये मेरी फाइनल लुक थी. सो इतना ही मेकअप मैं प्रेफर करती हूँ अपनी एवरीडे रूटीन में. मुझे ज़्यादा फाउंडेशन मस्कारा ये सब मैं एवरीडे नहीं लगा सकती बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई लव. मुझे अपनी स्किन ऐसे नेचुरली बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसे अच्छी भी लगती है. सो गाइज आई हैव कम्प्लीटेड माई समर मेकअप लुक. कॉम्बो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड इसके प्राइसेस भी मैं आपको बता दूंगी. ये मैंने पर्पल से लिया था और ये लिपस्टिक जो मैंने यूज़ किया है वो है नायका का. और ये बहुत ब्यूटीफुल बर्नट ऑरेंज शेड जो होता है वैसा कुछ है, लेकिन पूरा ऑरेंज नहीं है, न्यूड में है, लेकिन इट लुक्स डैम गुड. एंड उसके बाद जो मैंने रिवर्स ओम्ब्रे के लिए जो लिपस्टिक यूज़ की है दैट इज़ फ्रॉम कलबा एंड द शेड इज़ पीच क्रश 59. एंड ये बहुत ब्यूटीफुल शेड है. मैं इनके स्वॉचेस आपको अपने हैंड पे दिखा देती हूँ तो आपको पता चल जाए किस तरह का कलर है.
और ये दोनों कलर्स एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं. यू कैन जस्ट मिक्स एंड मैच योर लिपस्टिक्स टू मेक अ बेटर शेड्स. सो दिस इज़ माई एवरी डे नेचुरल समर मेकअप लुक. मैं हर रोज़ फाउंडेशन नहीं लगा सकती, सो दैट्स वाई आई जस्ट कीप माई मेकअप वेरी मिनिमल. सो बट आई मेड श्योर कि मैंने मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, जो भी एसेंशियल्स होते हैं लाइक आई क्रीम, बिकॉज मुझे अभी फाइन लाइन्स भी आनी शुरू हो गई हैं, सो आई डोंट वॉन्ट दैम. सो आई होप आपको मेरा ये समर मेकअप लुक अच्छा लगा हो विद मिनिमल प्रोडक्ट्स. सो होप करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. मैं भूल गई आउट्रो शूट करना, लेकिन अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दैट यू डोंट हैव टू वियर सो मेनी फाउंडेशंस एंड अदर थिंग्स टू लुक ब्यूटीफुल. जस्ट थोड़ी सी चीज़ें भी आपको अच्छा बना सकती है. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.